नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश कर देने वाली एक खबर आ रही है लाओस से। लाओस एक छोटा सा देश है, इंडिया के ईस्टर्न साइड पे पड़ता है। दरअसल भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, ये आजकल दो देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, एक लाओस और दूसरा जापान। इन्होंने लाओस में अपनी यात्रा को पूरा कर लिया है, उसके बाद अब ये जापान के लिए चले गए हैं। जापान में बता दें कि वहाँ पर एक क्वाड की मीटिंग होनी है जिसको वो अटेंड करेंगे, और लाओस में मीटिंग को कंप्लीट कर चुके हैं जो आसियान कंट्रीज़ की मीटिंग थी। अब आपको बता दें कि दोस्तों ऐसा आखिर हुआ क्या है जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व कर देने की बात है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लाओस ने भारत के लिए एक ऐसी रिस्पेक्ट वाली चीज़ दिखाई है जो भारत के कल्चर से मिलती जुलती हुई चीज़ है। दरअसल लाओस ने एक स्टैम्प को जारी किया है और उस स्टैम्प में लॉर्ड राम यानी कि भगवान राम की फ़ोटो है। भगवान राम लला विराजमान आपको उस स्टैम्प में दिखेंगे, और गौतम बुद्ध जी दिखेंगे एक स्टैम्प में। तो इस तरह की उन्होंने दो स्टैम्प को जारी किया है। अच्छा, उन्होंने ऐसी रिस्पेक्ट क्यों दिखाई है? दरअसल आपको बता दें कि वैसे तो लाओस की जो पॉपुलेशन है उसमें करीब 75 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें कि 65% बुद्धिस्ट हैं, और वो जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं रामायण से। वो लोग रामायण के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और देखते भी हैं। वो रामायण को रामकिन बोलते हैं। अब आपको बता दें कि ये रिस्पेक्ट भारत के लिए बहुत गर्व कर देने वाली बात है। ये भारत और लाओस के रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देगी। अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अभी जो भारत और लाओस का जो बिज़नेस है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि $450 मिलियन होता है, जो बहुत ही कम बिज़नेस है। एटलीस्ट 1 बिलियन या 2 बिलियन तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी जो हो रहा है वो $450 मिलियन है। उसमें भी ये भारत के लिए ट्रेड डेफिसिट है। इस बिज़नेस में हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो ओनली $46 मिलियन करते हैं, और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो $400 से ज़्यादा का हम परचेस करते हैं। तो इसलिए हमारा ये ट्रेड डेफिसिट है। अब आपको बता दें कि ये तो रही भारत की रिस्पेक्ट वाली बात, भारत को जो वहाँ से इज्जत मिली है, वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है डॉक्टर एस जयशंकर जी के साथ। अब आपको बता दें कि लेकिन लाओस में भारत के लिए एक दूसरी भी न्यूज़ रहती है जो हमेशा से देखने को मिलती है लाओस से और वियतनाम से, ये न्यूज़ आती रहती है। ये है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, मतलब कि लोगों को यहाँ पर झूठे सपने दिखा दिए जाते हैं कि आइए चलिए लाओस में आपको लेकर चलते हैं, बहुत अच्छी आपको जॉब दिला देंगे। तो इंडियंस जो होते हैं ये अच्छी जॉब का सोच करके ये चले जाते हैं लाओस में, और जब ये लाओस में लेकर चले जाते हैं तो ये क्योंकि हिंदी स्पीकिंग होते हैं और रीजनल लैंग्वेज को जानने वाले लोग होते हैं इंडियंस, इनसे वहाँ से कॉल करवाई जाती है इंडियंस को ही, और ये जो कॉल्स आती हैं फ्रॉड वाली ये इन्हीं से करवाई जाती है, और गलत तरीके से पैसे की डिमांड करवा ली जाती है, फंड को ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है, ये सब गलत काम करवाए जाते हैं, यानी कि स्कैम करवाया जाता है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है कि गलत तरीके से आप वहाँ पर ले कर गए और उनको कोई और वहाँ ले जाने के बाद उनसे भी गलत काम करवाने लगे, ये गलत चीज़ है। इस मुद्दे को भी भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी ने इसको उठाया है लाओस के सामने, और इस पर मिलकर काम करने के लिए बोला है, जिसमें लाओस की जो गवर्नमेंट है भारत सरकार को ये आश्वासन दिया है, यानी कि विदेश मंत्री जी को ये उस मीटिंग में आश्वासन दिया है कि वो इस पर काम करेंगे और कड़े कदम उठाएंगे जिससे कि इस तरह की समस्याएं आगे देखने में ना आए। ये तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा वहाँ पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने मुलाकात की है चीन के जो विदेश मंत्री हैं वैंग यी, और रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लैवरोव, तो इनके साथ भी इन्होंने मुलाकात करी है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सभी लोग मिलकर उन्होंने बातचीत करी है, लेकिन जो रिस्पेक्ट मिली है वो इंडिया को ही मिली है, इंडियन कल्चर को ही मिली है, ये सबसे ज़्यादा अलग करता है भारत को। अब आपको बता दें कि जो इंडिया और चाइना के जो विदेश मंत्री मिले हैं इन्होंने मीटिंग तो करी है, लेकिन इसमें कोई मजबूत चीज़ निकल कर नहीं आई है। इन्होंने बात ज़रूर करी है बॉर्डर के इशू पर, लेकिन अभी तक दोनों ही साइड से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है जिससे लग रहा हो कि बहुत ही अच्छी कुछ रही
रही है, कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला है बॉर्डर पे दोनों ही देशों के। अभी वो जो स्टैंड ऑफ है वो वैसा ही बना हुआ है और अभी कुछ उसमें ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कुछ खास बदलाव आने जा रहा है, अभी दोनों ही देश वैसे ही हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि भारत जहाँ पे एक तरफ चीन और रसिया के विदेश मंत्री से मिला है, वहीं अब वो जापान पहुँच चुके हैं और जापान में अब जो मीटिंग होगी वहाँ क्वाड की होगी, यानी कि वहाँ पर जापान, USA, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये सभी जो लीडर्स हैं वो अब मिलेंगे और इनके साथ भी भारत की मीटिंग होगी। तो भारत पूरी तरह से बैलेंस बनाकर चलता है, चाहे वो USA का ग्रुप हो या रसिया का ग्रुप हो, दोनों ही साइड बैलेंस बनाकर चलता है। हम अपने रिलेशन दोनों से ही अच्छे रखते हैं, हम किसी का साइड नहीं लेने वाले कि हम ऐसा नहीं कि किसी का साइड ले लें और उनके अकॉर्डिंग काम करते रहें। हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल अलग तरीके की है और वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, हमारा किसी की तरफ झुकाव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो खैर बहुत अच्छी न्यूज है कि भारत के गर्व के लिए गर्व की बात है कि हमारे भगवान राम के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वही रामलला विराजमान, उनकी ही स्टैंप जारी कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब आपको जो क्वाड से रिलेटेड मीटिंग में कुछ अपडेट्स आएंगी उसके लिए मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।